मुल्क की मालियाती खुद मुख्तारी की सौदेबाजी की जा रही है और स्टेट बैंक को ऐसे इख्तियारात दिए जा रहे हैं कि वो हुकूमत नहीं बल्कि पार्लियामेंट की भी जवाबदही के सवाल पे हिचकिचाहट का इजहार कर रही है और जो हमारी मालियाती पॉलिसीज़ हैं उनकी फिस्कल पॉलिसीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन का कोई मैकेनिज्म इसमें नहीं रखा गया। हत्ता ये कि ख़ुद वज़ीर ख़जाना साहब कह चुके हैं कि वो आईएमएफ को कायल करने की कोशिश करते रहे हैं और वो इस बात को महसूस करते हैं कि फिस्कल एंड मॉनेटरी कोऑर्डिनेशन पॉलिसी बोर्ड होना चाहिए। अब अगर आईएमएफ ने उसको नहीं माना तो क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी पाकिस्तान के मफाद की चीज़ को आईएमएफ की डिक्टेशन पे पास करेगी? आज मैंने यही नुक्ता उठाया कि हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आईएमएफ के पैकेज के पाबंद नहीं हैं। अगर हम उन्हीं के पैकेज के मुताबिक वोटिंग करें तो फिर हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी का भी सौदा कर रहे हैं। इसी तरह स्टेट बैंक को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो खुद ही अपनी मराद का प्राइवेट बैंकों के तर्ज के ऊपर फैसला करें। तो अगर स्टेट बैंक के जो सरकारी मुलाजिम हैं उन्होंने प्राइवेट बैंकों के मुतरादिफ तनख्वाहें लेनी है तो जो पाकिस्तान के सेक्रेटेरिएट में और वजारत खजाना में हमारे काबिल अफसरान हैं उनको क्यों नहीं वो तनख्वाहें दी जाएं? सर वो जो कर्जा पाबंदी लगाने की और इसी तरह ये भी स्टेट बैंक के ऊपर पाबंदी लगाना कि उससे वफाकी हुकूमत कर्ज नहीं ले सकती, तो पाकिस्तान की हुकूमत को प्राइवेट बैंकों के रहमो करम पे फेंकने का ये एक फंदा है जिसके तहत प्राइवेट बैंक कार्टेल बनाएंगे, वो मनपसंद अपने शराइत के ऊपर हुकूमत को कर्जा देंगे और मुनाफाखोरी करेंगे। दुनिया भर में जो सेंट्रल बैंक है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है ताकि किसी एमरजेंसी में मुल्क की खुद मुख्तारी का दिफा किया जा सके। तो इस कानून के तहत स्टेट बैंक को मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के पार्लियामेंट से और निज़ाम से एक अलहदा जजीरा बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे हमारी इक्तसादी पॉलिसी में बेहतरी नहीं आएगी बल्कि मजीद इंतशार पैदा होगा। अच्छा सर एक ये कि पार्लियामान को जवाबदेह होने के हवाले से सर ये अच्छा पार्लियामान को जवाबदेह होने के हवाले से जो आज बात की गई कि गवर्नर स्टेट बैंक को यहाँ पर साल में दो मरतबा तक महदूद किया जाए तो इस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जो स्टेट बैंक है वो सहमाही की बुनियाद पर रिपोर्ट देती थी, अब उन्हें कहा गया है कि वो साल में दो दफ़ा दें और आज आपने देखा कि हमने ये बात कही कि गवर्नर स्टेट बैंक को भी पार्लियामेंट के सामने पेश होना चाहिए। उसमें बड़ी हिचकिचाहट थी लेकिन बिलाकर हमारी इस तजवीज़ पे कमेटी के अक्सरियत ने जब हमायत की तो वो मजबूरन माने कि गवर्नर भी स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश हो सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो इसमें स्टेट बैंक को एक बिला किसी चेक इख्तियारात दिए गए हैं उससे हमारी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत ज़्यादा इंतशार पैदा होगा और एक जजीरा पैदा होगा कि जो मुल्क के मौशी मामलात को बैनुल अक्वामी हालात के मुताबिक या इदारों के मुताबिक मुतासर कर सकता है। जी सर जी मेरा पॉइंट इसमें ये है कि ये जो पहले हॉट मनी आई जो 2019 में मई से लेकर सितंबर तक उसमें 13% दिया गया और उस वक्त 6 महीने में डॉलर और पाकिस्तान के रुपए को चेंज नहीं किया गया, इसका मतलब है डॉलर में 13% पैसा गया, ज़रा हमने पॉलिसी रेट कम किया तो पैसा वापस चला गया। कौन उनको पूछने वाला है अगर इस किस्म का, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में जो एक्सचेंज रेट है जो पॉलिसी रेट है सब स्टेट बैंक का गवर्नर फैसला करता है, अगर उन्होंने ही करना है और अगर कोई उसका भी कोई जानने वाला कोई इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं जिनको पहले पता है कि मैंने डॉलर का रेट ये रखना है और जो इंटरेस्ट रेट रखना है उससे पाकिस्तान को तो खरबों रुपये का नुकसान हो रहा है और अभी जो आजकल ये जो इन्होंने डॉलर अकाउंट रखे हैं तो उसमें 7% का रेट है, हालांकि दुनिया में 1% के ऊपर रेट नहीं है और उन दिनों ही 16% मई से लेके अभी तक 16% डिवैल्यू हुआ है, तो आप 23% दे रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, तो ये इसका पूछने वाला कौन है? चलो हो गया हो सकता है कि गुड स्पिरिट में हुआ हो लेकिन अगर कोई गलत हुआ है तो उसको कोई इंतसाफ करने वाला कोई पूछने वाला, अगर गवर्नर को ही आपने सारी पावर्स देनी है तो
एक ही इंसान जो है वो तमाम के तमाम फैसले जो मुल्क के बहुत बड़ी इकोनॉमिक मैटर्स हैं उसके कर रहा है और उसका कोई जवाबदेह भी नहीं है। अभी तक उसका पूछा ही नहीं गया। पिछला जो कुछ बार बार हम कह चुके हैं जो हार्ट मनी की फॉरेंसिक वो होनी चाहिए जो है उसका ऑडिट होना चाहिए, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। पॉलिसी तो उसी को दे रही है और प्राइम मिनिस्टर साहब की पावर आइंदा से इकोनॉमिक मैटर्स में तो सीईओ गवर्नर होगा और बाकी मैटर्स आप प्राइम मिनिस्टर देखेंगे उन्हीं की पावर्स को ले रहे हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस कानून के बाद पाकिस्तान में दो वजीर आज़म होंगे, एक पाकिस्तान के आवाम के वोटों से पार्लियामेंट के जरिए मुंतखब सियासी वजीर आज़म और एक गैर मुंतखब मालियाती वजीर आज़म जो किसी को जवाब दे नहीं होगा।